तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे मेरा और नीरज सर का कुछ बात हुआ शो के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया। ये वही सर है जिनका शो है इंडियन आइडल। वेलकम बैक माई न्यू वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस पता क्या हुआ, रिसेंटली इंडियन आइडल के इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैं कुछ टीम से बात कर रहा था, तभी मुझे नीरज सर का एक पोस्ट मिला। नीरज गुप्ता, अगर आप लोग नीरज गुप्ता को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडियन आइडल है या फिर जितने भी सिंगिंग रियलिटी शो है बड़े बड़े, इंडियन आइडल मेन शो है इनका और सारे गाँव पा भी इन्हीं का शो है। तो नीरज गुप्ता इनका नाम है, तो नीरज कलाकार करके इनका आईडी है इंस्टाग्राम, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इनसे मेरा थोड़ा बहुत हुआ बातचीत ही हुआ है, मतलब नॉर्मली मैंने कुछ बोला तो उन्होंने आगे से रिप्लाई किया। हालांकि ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत स्वीट इंसान है, मुझे हमेशा से पता है इनके बारे में। मैंने काफ़ी टाइम इनके सामने ऑडिशन दे चुका हूँ मैं। ये आपको मिलते हैं थर्ड राउंड में, जब आपका वो म्यूज़िक राउंड होता है दिल्ली में, तो ये मिलते हैं इनके साथ और भी जज वगैरह मिलते हैं गाइस। तो आप जैसा कि देख सकते हो मेरे साथ क्या क्या बात हुआ, यहाँ चैट में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए। तो ऐसे ही हो गया था जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस था, जिन लोगों ने मेरे को पिछले साल देखा था टीवी पे और मेरे को एक्ट दिया गया था कैसे कैसे मैंने किया, लेकिन वहाँ पे कुछ और शूट हुआ और जब उसको टेलीकास्ट किया गया तो थोड़ा फनी टाइप में कि लोग हंस रहे हैं, जबकि लोग हंस नहीं रहे थे जब मैं गा रहा था, तो लोग चेयर कर रहे थे गाइस। तो यही सब बात है। तो इन्होंने बताया कि ये सिर्फ कंटेंट टीम में है, म्यूज़िक टीम में है, इनको सिर्फ म्यूज़िक से लेना देना है, सिलेक्शन यही करते हैं और बाकी टीवी वाले अपने हिसाब से क्या करते हैं क्या नहीं करते उनका अलग मैटर है गाइस। तो फिर भी अगर सर मेरा वीडियो देखे तो मैं दिल से सॉरी कहता हूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा था सर, ये कंटेंट टीम के लिए नहीं था, ये था जो रियलिटी शो मतलब जो टीवी पे दिखाया जाता है उसके लिए मैंने ये वर्ड बोला था। तो गाइज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन जिन लोगों ने इस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन किया है और जिनका नहीं हो रहा है, वो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम योर मेन इंस्टाग्राम पे। मैं आपको एक नंबर दूंगा जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच यहां तक वीडियो को देखने के लिए। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।